अलगाववादी ताकतें षड्यंत्र के तहत रच रही हैं घटनाएं। जयवीर सिंह। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने शनिवार को जैन समाज के वार्षिक क्षमावाणी महोत्सव के अवसर पर राजाताल गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में रेलवे लाइनों पर हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, ये घटनाएं कहीं न कहीं षड्यंत्रकारी और अलगाववादी ताकतों का हिस्सा हैं। जिस तरीके से हाल ही में विभिन्न स्थानों पर पत्थर और गैस सिलेंडर जैसी वस्तुएं पाई गई हैं, वह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती हैं। ये देश के खिलाफ एक बड़ी जिहादी साजिश है, जिसे प्रायोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। आज जैन समाज के सबसे बड़े पर्व क्षमावाणी का ये पावन अवसर है, जिस पर आज हम लोगों को महाराज जी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जैन समाज के इस अद्भुत कार्यक्रम में भागीदारी करने का सुअवसर मिला है। निश्चित रूप से जो सनातन परंपराएं, उसी में जैन दर्शन के अंतर्गत जैन समाज का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी जाने अनजाने की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगने का काम करता है और भविष्य में उसके जीवन में गलतियां न हो, इसकी ईश्वर से प्रार्थना करता है। मैं समझता हूं कि सामाजिक समरसता के लिए, भाईचारा के लिए इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो सकता कि हम लोगों से अगर गलती, मानव स्वभाव होता है, उसमें अगर गलती हुई है उसको आदमी स्वयं उसकी क्षमा मांगते हुए पुनरावृत्ति न होने का संकल्प ले ले, तो इससे बड़ा जीवन में कोई अच्छा सहयोग नहीं हो सकता। ऐसे पवित्र इस कार्यक्रम में आज हम लोग पधारे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों का सौभाग्य है और ये जो भी हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, अलग अलग जो दर्शन है, ये सब सनातन परंपराओं के ही हिस्सा हैं, जिसने भारत के आदर्शों को प्रस्तुत किया है, जिसने भारत को हमेशा एक अगुआ संस्कृत के रूप में, विश्व गुरु की स्थापना के रूप में एक सम्मान देने का काम किया और विश्व गुरु बनने की ओर भारत पुनः अग्रसर हो, यही हम सबका प्रयास है। मंत्री, आजकल जगह जगह ट्रेनों की रेलवे लाइनों पर पत्थर रखा जाता है, पोल रखा जाता है, सब क्या केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है? तो देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई भारत सरकार भी कर रही है, प्रदेश सरकार भी कर रही है, लेकिन अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं इनके जिहाद का हिस्सा है। कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी अलगाववादी ताकतें, अलगाववादी शक्तियां इसको एक मुहिम के तहत ये चलाने का काम कर रही हैं। जिस तरीके से विभिन्न विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित तरीके से, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से घटनाएं बढ़ रही हैं, वो निश्चित रूप से इशारा करता है कि प्रायोजित तरीके से किया गया देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ एक बड़ा जिहाद है। सर, आप पर्यटन विभाग से मंत्री हैं, सब मंदिरों के बाहर काफी रेस्टोरेंट और होटल हैं, उन पर क्या आपके आदेश किए गए हैं मिलावट को लेकर? जिस तरह से मिलावट, देखिए, मिलावट किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मिश्रण रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसके लिए सचल लैब और लैबों की स्थापना भी, सैंपलिंग की जा रही है और जो भी अपमिश्रण करने वाले हमारे लोग हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शने का काम नहीं होगा। हर एक व्यक्ति के हाथ में विशुद्ध रूप से उसकी अपेक्षित सामग्री पहुंचे, या हमारा प्रसाद के रूप में पहुंचे, या कोई हमारा